छठ महापर्व की धूम या पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठी पर मनाया जाने वाला हिंदू पर्व है। इस पर्व पर महिलाएं 4 दिनों का पवित्र स्नान उपवास रखती हैं और तालाबों पर सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करती हैं। यह पर्व बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है, परंतु अब धीरे धीरे यह पर्व भारतीय प्रवासियों के साथ साथ पूरे विश्व भर में प्रचलित हो गया है। यह छठ महापर्व का वीडियो महाराष्ट्र के थाने शहर का आप देख रहे हैं। देशव्यापी कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें सार्वजनिक तालाबों पर छठ पूजा के अवसर पर ज़्यादा भीड़ एकत्रित नहीं होने के लिए सभी सामाजिक संस्थाओं से अपील की गई है। तो वहीं आप वीडियो में देख रहे हैं, थाने महानगर पालिका क्षेत्र के रायला देवी तालाब स्थित मनपा द्वारा कृत्रिम तालाब की व्यवस्था देखने को मिली, तो वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा अर्चना करती हुई दिखाई दी, जहां पुलिस व मनपा प्रशासन की देखरेख में हजारों की संख्या में नियमों का पालन करते हुए छठ मैया के भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ छठ महापर्व को मनाया। इस छठ महापर्व का आयोजन उत्तर भारतीय शिवसेना नेता कुलदीप तिवारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इस छठ पूजा आयोजन में थाने जिला पालक मंत्री एकनाथ शिंदे शिरकत करते नजर आए। चल रहे छठ महापर्व का जायजा लिए और सभी छठ मैया के भक्तों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने व नियमों के पालन करने की अपील की। पर्व के अवसर पर आयोजक कुलदीप तिवारी ने जिला पालक मंत्री एकनाथ शिंदे का स्वागत साल व श्रीफल पुष्पगुच्छ देकर किया। थाने से HNI लाइव की खास रिपोर्ट। छठ पूजा का आयोजन यहाँ पर हुआ है। कुलदीप तिवारी जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर हर साल कार्यक्रम होता है, लेकिन इस साल का जो संकट है, कोविड का जो संकट है, लेकिन ये मनाते समय थोड़े आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। ये भी अपने इस कार्यक्रम में सभी जो भक्त जो है उनको आह्वान किया हुआ कि भीड़ ना करे। एक घर में से एक महिला, एक 1+1, एक महिला और एक उसके साथ पुरुष। और प्रमाणे या रायला देवी तलाव परिसरामध्ये छठ पूजा आणि ते भक्त मंडळी सगळी आपल्या परिवाराच्या आरोग्यासाठी महिला भगिनी उपवास करत असतात आणि सूर्यास्त आज आणि उद्या सूर्योदयाच्या पूर्वी असं ते एक त्यांचं दरवर्षीचं कार्यक्रम असतो। धार्मिक कोविडचं संकट लक्षात घेता, कोविडची पार्श्वभूमी लक्षात घेता गर्दी होऊ नये यासाठी देखील ठाणे महापालिकेच्या वतीने त्या ठिकाणी व्यवस्था नियोजन केलेलं आहे।
आणि पोलिसांनी देखील सर्व सहकार्य करून गर्दी होणार नाही याची काळजी घेतलेली आहे। त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नाही परंतु साधेपणाने देखील या ठिकाणी ही त्यांच्या श्रद्धेचा विषय आहे। त्या श्रद्धेचा अनुसरून या ठिकाणी जसं गणपती नवरात्रोत्सव सोशल डिस्टन्सिंग मास्क घालून अंतर सुरक्षित अंतर ठेवून जसे साजरे केले तसेच यावेळेस देखील राज्य सरकारच्या विनंतीला आवाहनाला प्रतिसाद देऊन खूप मोठी गर्दी न करता प्रत्येक कुटुंबातली एक महिला भगिनी या ठिकाणी येऊन हा धार्मिक कार्यक्रम जो त्यांच्या कुटुंबासाठी आरोग्यासाठी दरवर्षी करतात तसा सुरक्षित अंतर ठेवून केलेला आहे।